दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ अब भारतीय टीम के साथ नजर नहीं आएंगे। राहुल द्रविड़ का ये आखिरी ICC इवेंट था, ऐसे में अब राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम के पूर्व ओपनर और KKR को चैंपियन बनाने वाले मेंटोर गौतम गंभीर रिप्लेस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गौतम गंभीर जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भारतीय फैंस को वो ट्रॉफी दिला दी जिसकी कामना वो सालों से कर रहे थे और उनकी कोचिंग की मेहनत भी रंग लाई। राहुल द्रविड़ के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दोनों ने इस वर्ल्ड कप आखिरी बार इस फॉर्मेट में भारत के लिए खेला है, अब यह T20 फॉर्मेट में नजर नहीं आएंगे। हाँ, IPL दोनों खिलाड़ी खेलते रहेंगे। ऐसे में अब गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट पे पहली बार रिएक्शन दिया है। गौतम गंभीर ने मीडिया से कहा कि दोनों महान खिलाड़ी है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है और दोनों ने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है। भारतीय क्रिकेट में उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ तक आने में मैं दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो एक हारा हुआ मैच उन्होंने जिस तरीके से जीता है वह काबिले तारीफ है। मैं ऑल द बेस्ट कहना भी चाहूंगा। दोनों अभी भी वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों अपने देश और टीम की सफलता में अपना योगदान देते रहेंगे। उनका टीम से बाहर जाना पूर्व लिखित स्क्रिप्ट से ज्यादा बेहतर है। राहुल द्रविड़ का कोचिंग करियर खत्म होने के बाद BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बड़ा बयान दिया है। रोजर बिन्नी ने पुष्टि कर दी है कि गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोचिंग संभालने के लिए परफेक्ट है। जो भी शर्तें थी उनका वह सभी को मान लिया गया है। बन्नी ने मीडिया से कहा कि गौतम गंभीर के पास काफी ज्यादा अनुभव है, उन्होंने अपने कोचिंग में KKR को इस IPL में चैंपियन भी बनाया है। अगर वो टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो भारतीय क्रिकेट के लिए काफी अच्छा होगा। वो अनुभवी है और भारत को इसी की जरूरत है। भारत को एक ऐसे कोच की जरूरत है जिसने क्रिकेट खेली है, जिनके पास भारतीय कंडीशन में खेलने की बहुत ज्यादा अनुभव हो और तीनों फॉर्मेट में भी खेलने का अनुभव हो। और गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट भी खेला है और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। वो अपना अनुभव अपने कोचिंग के जरिए टीम इंडिया तक पहुंचाएंगे। वही गौतम गंभीर भी इस मुद्दे पे अपनी बात रख चुके हैं। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के कोचिंग को लेकर कहा कि मैं भारतीय टीम को कोचिंग करना पसंद करूंगा और अपनी नेशनल टीम को कोचिंग देना एक बड़ा सम्मान है और मैं ये बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो जिस देश के लिए खेला क्रिकेट उस देश के लिए कोचिंग करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 140 करोड़ भारतीय का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात है। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली का संन्यास लेने का सही समय था या फिर कुछ और क्रिकेट खेल सकते थे, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।